बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नौमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमने मैथमेटिकल एवरेजेस कंप्लीट कर ली थी, आज हम पोजिशनल एवरेजेस की तरफ जा रहे हैं। और पोजिशनल एवरेजेस का जैसे मैंने तारुफ में आपको बताया था कि पोजिशनल एवरेजेस दो टाइप की हैं हमारे पास। एक को हम मीडियन का नाम देते हैं और दूसरी हमारे पास मॉड है। तो मैथमेटिकल एवरेजेस का ये आपको मैंने बता दिया था कि मैथमेटिकल बेसिकल वो एवरेजेस होती हैं जो मैथमेटिकल फार्मूला से फाइंड की जाती हैं। और ये जो हमारे पास पोजिशनल एवरेजेस होती हैं या लोकेशनल एवरेजेस होती हैं, इनके लिए किसी मैथमेटिकल फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। हम विदाउट मैथमेटिकल फार्मूला भी इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मीडियन को देखेंगे। आज हमारे जो वीडियो का हिस्सा होगा, हमने मीडियन को देखना है। आज हम अनग्रुप पे ही रहेंगे, लेकिन इसमें भी दो केसेस आएंगे। एक इवन ऑब्जर्वेशन होंगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो इवन होंगी उनको देखेंगे, और एक हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी उस केस को हम देखेंगे। उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उनको करेंगे, और फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना है। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो लेक्चर में ये सब कुछ होने जा रहा है। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन पर हल्का सा पुश कर दीजिए। चलते हैं जी अपने मीडियन की तरफ। बेसिकली मीडियन है क्या? मीडियन असल में हमारे पास एक ऐसी एवरेज होती है, एक ऐसी डाटा की वैल्यू को कहा जाता है जो अरेंज हुए हुए डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सुन लीजिए, मीडियन एक ऐसी एवरेज का नाम है, एक ऐसी डाटा की वैल्यू को कहते हैं, यानी कि हमारे पास एक ऐसी सिंगल वैल्यू होगी जो अरेंज डाटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के करने से पहले हमें डाटा को अरेंज करना पड़ता है। हमें डाटा को क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। अब अरेंजमेंट जो होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है हमारे पास, और इसी तरह करके हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। किसी भी लिहाज से हमने अपने डेटा को क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। और इस अरेंजमेंट को हम एरे डेटा कहते हैं, यानी कि डाटा दैट इज अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो डाटा अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया गया होगा उस डेटे को हम एरे कहेंगे। मैं एरे की डेफिनेशन पहले क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मीडियन से पहले अपने डेटे को अरेंज करना होगा। इसलिए व्यूअर्स के इंट्रोडक्शन के लिए, आपको एक तारुफ के लिए कि एरे डेटा क्या होगा, उसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ राइट कर दी है कि एरे डेटा बेसिकली वो डेटा होगा कि जो हमारे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज किया गया होगा उस डेटे को हम एरे डेटा कह देते हैं। तो मीडियम कैलकुलेट करने से पहले हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है। देखिए, इसकी अरेंजमेंट की एक एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, हमारे पास को वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये हमारे को ऑब्जर्वेशन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 ऑब्जर्वेशन हैं इस वक्त मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि पहले छोटी वैल्यू होती है और उसके बाद हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ ये बढ़ती रहती है हमारे पास। इसी तरह अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, बड़ी वैल्यू होती है फिर उसके बाद छोटी, इस तरह करके हम, यानी कि इन्वर्स होता है ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर का। अब इस डेटा के अंदर मेरे पास टू ऑब्जर्वेशन, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन है और टू जो है वो टू टाइम्स आया हुआ है, तो मैंने टू को टू टाइम्स लिख लिया। थ्री है, इस तरह करके थ्री है, फिर फाइव जो है वो फाइव टाइम्स है, तो फाइव को, उसके बाद फिर सिक्स, फिर सिक्स टू टाइम्स है तो सिक्स आ गया, फिर एट और इस तरह करके नाइन। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अपना ये जो डेटा था इसको मैंने अरेंज कर लिया है अपने असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह करके आपके पास अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करना चाहें, देखिए मीडियन में आपको कोई कंडीशन नहीं है कि आप चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मीडियन की तरफ अब मैं जाने लगा हूँ। तो मीडियन की डेफिनेशन मैंने आपके सामने यहाँ लिखी हुई है।
आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं. मीडियन इज डिफाइंड एज अ वैल्यू विच डिवाइड्स एंड अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. यानी कि मीडियन क्या है? बेसिकली मीडियन एक ऐसी ऑब्जर्वेशन का नाम है, एक ऐसी वैल्यू का नाम है जो अरेंज हुए हुए डेटा को, आपने अरेंजमेंट जो है वो किस तरतीब में करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो अरेंज डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उस सिंगल वैल्यू को हम मीडियन कह देते हैं. अगर हमारा जो डेटा ऑड ऑब्जर्वेशंस पर मुश्तमिल होता है, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑड होती हैं, तो फिर तो ये मीडियन जो होगी वो डेटा की ही वैल्यू होगी. अगर हमारे पास ये डेटा ऑड ऑब्जर्वेशंस पर नहीं है, इवन ऑब्जर्वेशंस पर मुश्तमिल है, तो ऑब्वियसली फिर ये हमारे पास डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू होगी ये वो होगी, और वो हमारे पास डेटा की वैल्यू नहीं होगी. लेकिन ये होगा कि ये डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके ये डेटा के सेंटर में लोकेट करती है ये वैल्यू. तो डेटा की डेफिनेशन, इसकी मीडियम की डेफिनेशन एक बार फिर सुन लीजिए. मीडियन इज डिफाइंड एज अ वैल्यू. मीडियन बेसिकली क्या है? एक ऐसी वैल्यू को डिफाइन करता है विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर देती है किसको, एन अरेंज डेटा, अरेंज डेटा को इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. यानी कि वो डेटा जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अंदर अरेंज किया गया होगा, कितने पार्ट्स में, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो हिस्सों में जब वैल्यू डिवाइड कर देती है उसको हम लोग मीडियन का नाम दे देते हैं. इसको उर्दू में वस्तानिया भी कहा जाता है. तो आगे इसकी मैंने एक और छोटी सी डेफिनेशन कवर की है, वो ये है. देखिए, मीडियन इज मिडल मोस्ट वैल्यू. बेसिकली आपको जब किसी भी डेटा की सेंट्रल वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, तो उसको भी हम मीडियन ही कहते हैं. ऑफ एन वैल्यूज, हमारे पास डेटा की एन वैल्यूज हैं. देखिए, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ एन वैल्यूज अरेंज, यानी कि ये एन ऑब्जर्वेशंस की, एन वैल्यू की एक मिडल मोस्ट वैल्यू होती है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. जब आपने अपना डेटा जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर तरतीब दिया हुआ होगा, अरेंज किया हुआ होगा, तो बुनियादी तौर पर यह डेटा की मिडल मोस्ट वैल्यू आती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मीडियन कह देते हैं. यानी कि आपको इसकी डेफिनेशन जो भी आसान लगती है आप वो देख लीजिए. आपको पेपर में राइट करनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको जो डेफिनेशन इसमें ईजी लगती है वो आप कर लीजिए. ऊपर वाली जो डेफिनेशन है वो अगर आपको ईजी लगती है तो आप ये देख लें, अगर आपको ये डेफिनेशन ईजी लगती है तो आप ये देख लीजिए. तो मीडियन को जो डिनोट करते हैं ना, वो हम करते हैं एक्स टिल्डा से. मीडियन को डिनोट करते हैं हम एक्स टिल्डा से. ये जो एक्स के ऊपर हमारे पास ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, इसको टिल्डा कहा जाता है. ये ग्रीक वर्ड है और इसको हम चिल्डा से ही डिनोट करते हैं. यानी कि ये चिल्डा है हमारे पास, इसको चिल्डा का नाम दिया जाता है. तो हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, अब आप जो मर्जी बनाएं, ऊपर वाली डेफिनेशन आपने करनी है आप ऊपर वाली डेफिनेशन कर लीजिए. तो अभी प्रॉपर डेफिनेशन यू बन जाएगी, मीडियन इज डिफाइंड एज अ वैल्यू विच डिवाइड्स एंड अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू टू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मीडियन डिनोटेड बाय एक्स चिल्डा. तो ये है. अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ कि ये जो मीडियन की जो बेसिक टर्म थी वो गॉस ने इंट्रोड्यूस कराई थी, और यानी कि उन्होंने ही इसको सजेस्ट किया था कि इसको मीडियन कहा जाए. इससे पहले और भी एक साइंटिस्ट कहें, मैथमेटिशियन कहें, उन्होंने भी इसको इसका नाम रखा था, लेकिन बेस जो थी वो सर गॉस की थी, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम मीडियम सजेस्ट किया था. तो ये छोटी सी इसकी हिस्ट्री थी, छोटी सी. अब इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कहीं एमसीक्यूज भी आपसे पूछी जा सकती है. तो मीडियन अब हम अनग्रुप से देखने जा रहे हैं कि अनग्रुप से हमारे पास मीडियम कैसे आता है. तो ये बेसिक फार्मूला है हमारे पास अनग्रुप डेटा से. जब हम मीडियम फाइंड करेंगे तो उसका हमारे पास ये फार्मूला है, एक्स चिल्डा इज इक्वल टू एन प्लस वन ओवर टू और टी एच वैल्यू. यानी कि टी एच वैल्यू का मतलब ये होता है कि कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो हमारा मीडियन होगी. बेसिकली ये हमें मीडियन नहीं देगा, जी
बेसिकली ये हमें मीडियन नहीं देगा, बल्कि हमें ये बताएगा कि कौन सी वैल्यू ऐसी होगी जो मीडियन होगी, यानी कि डेटा की कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन होगी जो हमारे पास मीडियन होगी। तो मतलब कहने का ये कि लोकेट करेगा ये मीडियन को कि कहाँ पर हमारा मीडियन लोकेट कर रहा है। तो ये एम हमारे पास है, एम बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। तो टू है हमारे पास, क्योंकि हमने ये टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको टू पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब आगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक यानी कि हम इवन ऑब्जर्वेशन के लिए हैं और एक हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए हैं। मैं आज आपको दोनों ही फार्मूलाज बताऊँगा कि वो कैसे हम लोग उसको यूज़ करते हैं। देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन इस वक्त है और मेरे पास ये ऑब्जर्वेशन हैं। देखिए, फाइंड द मीडियन टू द फॉलोइंग डेटा सेट। मेरे पास ये जो डेटा सेट है, मैंने इसका मीडियन फाइंड करना है। ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। बेसिकली ये डाटा वही था जो मेरे पास ऊपर मैंने जिनका अरेंजमेंट की थी, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन मैंने कम कर दी ताकि आपको ये ऑड ऑब्जर्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर सकूँ। तो मैं इसको ऑड ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरे पास इस वक्त ऑड है। तो जब भी आपने मीडियन लेना है, आपने सबसे पहले अपने डेटे को अरेंज करना है। आपने सबसे पहले अपने डेटे को क्या करना है, अरेंज, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय असेंडिंग ऑर्डर। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 8, 9 ये आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास जो थी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास इस वक्त 9 है। तो मैं अपना फॉर्मूला यूज करूंगा। मेरे को फॉर्मूला वही है जो मैंने अभी देखा, n प्लस 1 है, यानी कि n मेरे पास कितना था, 9 था। मैं अपने फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, ये मेरे पास n कितना था, 9 था, और 9 के अंदर मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 और th ऑब्जर्वेशन, ये th वैल्यू। तो बेसिकली 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या आता है, 5th, यानी कि 5th वैल्यू ऐसी होगी जो मेरा मीडियन बताएगी। यानी कि ये जो फॉर्मूला ये मुझे बता रहा है कि मेरी जो 5th वैल्यू होगी ना, वो मेरा मीडियन है। मेरी जो 5th वैल्यू है वो मेरा मीडियन है। मकसद मेरा कहने का ये है कि पहले आप अपने डाटा को अरेंज करके देख लीजिए कि आपकी 5th वैल्यू कौन सी आ रही है। तो जो 5th वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन होगी। तो एन प्लस 1 ओवर 2, एन मेरे को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी जो कि 9 थी, 1 ऐड किया तो 10, 10 ओवर 2 टी एच वैल्यू थी। अब देखिए क्या है मेरे को, 1, 2, 3, 4, सॉरी ये मेरे पास जो ओवर डाटा ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है, ये मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही है, यही मेरे पास जो है वो मीडियन, यही मेरे पास जो है वो मीडियन है। अब हमारे पास इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया है तो वो देखें, एक्स टिल्डा जो है वो मेरे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ये मेरे पास जो है मीडियन ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। तो असल में मीडियन होता क्या है, देखिए मीडियन ने किया क्या है, मीडियन मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है किसी भी डेटा की। मैंने इसको इस तरह से आपको बनाकर दिखाया, ये मेरी मीडियन ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी मीडियन ऑब्जर्वेशन है। इस मीडियन ऑब्जर्वेशन ने क्या किया है, इसने डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाफ डेटा जो है वो मीडियन से बड़ी ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है, हाफ जो है वो डेटा की मीडियन की बड़ी से बड़ी ऑब्जर्वेशन को शो कर रहा है, और हाफ जो है वो मीडियन से स्मॉल वैल्यू को, स्मॉल ऑब्जर्वेशन को जो है वो शो कर रहा है। तो बेसिकली डेटा का ये हाफ इसने कर दिया। आप अभी भी कह सकते हैं कि मीडियम से बिलो डेटा का 50% लाई करता है और मीडियम के बाद डेटा का 50% लाई करता है, यानी कि इसने 50-50 के 2 पार्ट्स में डेटा को अरेंज कर दिया होता है, डिवाइड कर दिया होता है। अब ये जो आपको इस वक्त ये फिलक्रम सब नजर आ रहा है, इसने क्या किया है कि एवरेज सेंटर में आ गई और खुद ये इसने डेटा को बैलेंस कर दिया, यानी कि हाफ ऑब्जर्वेशन हमारी इधर चली गई और हाफ ऑब्जर्वेशन हमारी इधर आ गई। तो डेटा की बेसिकली ये एक मिडल ऑब्जर्वेशन है जिसके डेटा के, यानी कि मीडियन के बिलो 50% डेटा और इसी तरह मीडियन के अबव जो है वो भी 50% डेटा लाइन करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मीडियन बेसिकली क्या है, तो मीडियन असल में ये होता है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन का नाम है जिसके बिलो 50% डेटा लाइन करता है या जिसके अबव 50% डेटा लाइन करता है। अब इस वक्त आपको ये डेटा बैलेंस हुआ वो नजर आ रहा है, खुद मीडियम सेंटर में आ गया, इसके अबव जो है वो ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो हमारे पास 50% ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो मीडियम से बड़ी है, और इसी तरह करके ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो 50% ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो मीडियम से कम है। तो बारह ये हमारे पास इस तरह करके मैंने आपको एक बनाकर दिखाया। आगे इसकी थोड़ी सी मैंने और वजाहत की है कि
in any data or distribution 50% lie above the median and 50% below median. तो यही मैं आपको पहले बता के आया हूँ कि 50% जो है वो median से above होती हैं observation और 50% ऐसी होती हैं जो median से below होती हैं. आगे मैं चलता हूँ कि median for even values, अगर हमारे को number of values even हो तो फिर क्या हो. फिर देखेंगे ये तीन बातें आप याद रखिए. एक तो वही है कि आप अपना यही वाला फार्मूला याद रखें, ये फार्मूला आपने पहले किया है. एक इसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला भी एक तरतीब दिया हुआ है, अगर आपको वो मुश्किल लगती है तो वो इससे करेंगे. और एक मैंने सिंपलेस्ट चीज़ निकाली है, बेसिकली ये वही चीज़ है. अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता तो आप क्या किया करेंगे, सेंट्रल टू वैल्यूज जो होती हैं उनकी एवरेज ले लिया करें, यानी कि अरिथमेटिक मीन ले लिया करें, तो फिर भी हमारे पास मीडियन आ जाएगा. मैं इसको आपको एक डेटा पे कराता हूँ, ये क्वेश्चन फिर आपको सही से समझ आएंगे. तो मैं आपको पहले ये वाला फार्मूला कराने जा रहा हूँ. यही फार्मूला जो है वो बेसिकली ये है, लेकिन अगर आपको ये लिखने की मुश्किल होती है तो आप इस तरह करके सिंपलेस्ट ये तरीका अडॉप्ट किया करें और मीडियन निकाल लिया करें. लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये वाला फार्मूला करूँगा, क्योंकि ये हमें आगे डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स में हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं आपको ये और फॉर्मूला रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें. बहरहाल इस वक्त हमारे पास मीडियन का ये फॉर्मूले थे, तो मैंने आप लोगों को ये कराने हैं. तो दोनों तीनों तरीकों से आपको बता देता हूँ, आप खुद से भी इसको देख लीजिएगा. देखिए मेरे पास इस वक्त फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये एक ऑब्जर्व ये डेटा है मेरे पास. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ऑब्जर्वेशन हैं इसमें मेरे पास. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास इसमें कितनी है जी, 8 है. तो मैंने सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है मेरे पास अरेंजमेंट ऑफ डेटा है, कि मैंने डेटा को अरेंज कर देना है. असेंडिंग ऑर्डर में करूं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करूं, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह उसको अरेंज करते हैं. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस तरह चाहे आप अपने डेटे को अरेंज कर लीजिए. तो फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास एन है वो पुट की, या एन प्लस टू पुट की. जब n पुट करता हूँ तो 8 बाय यानी कि 8 आएगा और 2 हमारे पास फॉर्मूले के लिए ऐसे ही है. इस तरह करके हम n प्लस 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 2 यानी कि 10 आ जाएगा. तो n प्लस 2 पुट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 10 आ जाएगा. ये वही फॉर्मूला है जो अभी आपने ऊपर देखा, यानी कि सेकंड फार्मूला जो था ये वाला फार्मूला है, इसी के अंदर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ. तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 10 बाय 2 5 आ जाएगा, यानी कि 5th और 4th. 8 बाई 2 जो होगा वो 4 होगा. फोर्थ वैल्यू प्लस फिफ्थ वैल्यू, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ और 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ. तो जो मेरा आंसर होगा वही मेरा मीडियन कहलाएगा. अब फोर्थ वैल्यू मैंने कहाँ से लेनी है, अरेंज डाटा में से लेनी है. तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ से लूँगा, 1, 2, 3 एंड 4. ये मेरी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है. और मैंने इसी तरह करके ये मेरी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है. मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये इजीली हाईलाइटेड हो. और ये मेरी जो है ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है अरेंज डाटा की. अब मैंने करना क्या है, इन दोनों को ऐड किया हुआ है और 2 पे डिवाइड कर दिया. तो जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा मीडियन है. तो फोर्थ वैल्यू भी 5 थी और फिफ्थ वैल्यू भी 5 है. ऐड किया मेरे पास 10 आया, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो डायरेक्ट मेरे पास ये आंसर आ गया जो कि मेरा मीडियन है. और यही मेरा मीडियन 5 है. अब मैं इसका एक शॉर्टकट भी आपको बताता हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप सिंपलेस्ट तरीका क्या है. देखिए इसमें भी हमें यही करना होता है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, कि मैंने सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस का मीन लेना होता है. आप क्या करें, जब आपके पास इवन ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जब टोटल आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, इवन होती हैं, तो आपने क्या करना है, हाफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से छोड़ देनी है और हाफ आपने लास्ट में से छोड़ देनी है, ड्रॉप कर देनी है. सेंटर वाली 2 ऑब्जर्वेशन ले लेंगे आप, सेंटर वाली 2 ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, उन दोनों को आपने ऐड करना है और उनको 2 पे डिवाइड कर देना है. बेसिकली आप इन 2 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन ले रहे होते हो तो वो आपका मीडियन आ जाता है. अब देखिए हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन 8 है, तो 3 मैंने शुरू से छोड़ दी और 3 जो है वो लास्ट वाली छोड़ दी, सेंटर वाली 2 ऑब्जर्वेशन आ गई. अब क्या किया मैंने, इन दोनों को ऐड करूंगा और 2 पे डिवाइड कर दूंगा, वही मेरा डायरेक्ट मीडियन आ जाएगा. चाहे आप इसको फार्मूले को रखें, बेसिकली ये फार्मूला भी यही है, लेकिन अगर आपको ये लिखने को मुश्किल होती है, समझ में नहीं आता, तो डायरेक्ट आप इस तरह मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं. और खासकर जब हम इंडेक्स नंबर वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें इतने बड़े फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए शॉर्टकट तरीका हम वो सब अडॉप्ट कर लेंगे. तो बहरहाल अब मैं आपको उसी पहले वाले फार्मूले से ही कराता हूँ जिस तरह से हमने इसको किया था. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन ये है कि ईजी है, समझने वाली बात है.
आपके पास सारा डेटा वैसे ही लिखा हुआ है जैसे पहले लिखा हुआ था। तो ये वही वाला फॉर्मूला है जो आपने पहले लिखा था। आप देखें एन हमारे पास इस क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग हमारा एन जो है वो 8 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। तो फॉर्मूले के मुताबिक मैं क्या करूँ, एन प्लस 1/2 यानी कि हमारे पास 9/2 आ गया। अब देखिए अगर हमारे पास ये ऑड ऑब्जर्वेशन होती हैं तो हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ना आता, हमारे पास ये रोल नंबर आता जब हम 2 पे इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 8 है तो 1 ऐड करके 9 आ गया। अब 9 को जब 2 पे डिवाइड करूँ तो ये फ्रैक्शनल पार्ट भी मेरे पास आ रहा है, रोल नंबर के साथ ये फ्रैक्शनल पार्ट भी मेरे पास आ रहा है, जो कि मुझे इस तरह सॉल्व करना है वो मैं अभी आपको जाके बताता हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये रोल नंबर में होता तो हमें इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाती, मतलब ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती वो ऑड होती तो इसको सोल्यूशन आसान था, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पूरा होल नंबर आ जाता और होल नंबर को देखना आसान था। लेकिन इसको कि मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट में भी आया हुआ है, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट को मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास मीडियन इक्वल टू 4.5th वैल्यू इज मीडियन। अब फोर्थ वैल्यू तो मैंने वैसे का वैसे ही लिख ली, क्यों, ये मेरे पास थी मतलब, और ये जो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट था 0.5 वो मैंने ये लिख लिया। अब मैंने करना क्या है, मेरे पास असल में मीडियन आ रहा होगा 4 और 5 वैल्यू के मिड में, 4 और 5 वैल्यू के मिड में मेरा मीडियन आ रहा होगा, यानी कि मेरे पास जो मीडियन आ रहा होगा फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू, ये यानी कि इन दोनों ऑब्जर्वेशन के सेंटर में मेरा मीडियन आ रहा होगा, ये यहाँ पर कहीं होगा मेरा मीडियन। तो मैंने क्या किया, 4.4 वैसे ले लिया और अगले स्टेप में क्या करता हूँ, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो इन दोनों का 5 और 4 का डिफरेंस लेके उसके फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसके सेंटर में आ रहा है ना, तो मुझे जितना भी उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो उनके डिफरेंस के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर होगा वही मेरा मीडियन होगा। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैंने यही कुछ किया है, फोर्थ वैल्यू प्लस 0.5, अब क्या है फिफ्थ वैल्यू और फोर्थ वैल्यू का डिफरेंस लिया और ये जो मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट था 0.5 मैंने उनके डिफरेंस के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, पहले उनका डिफरेंस ले लिया, जितना भी डिफरेंस आता था उसके साथ उनका फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपके पास 0.5 ही है, 4.5 है, यानी कि 0.5 ही आएगा, यहाँ पर 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, 7.75 भी हो सकता है, जो भी होगा आपने उसके फ्रैक्शनल पार्ट के साथ इनका डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, अगर यहाँ पर 4 है तो आपने 5 लेना है, यानी कि उससे नेक्स्ट वैल्यू लेनी है, अगर यहाँ पे 6 है तो आपने यहाँ 7 लेना है, अगर यहाँ 8 है तो आपने यहाँ पर 9 लेना है, और यहाँ पर वही ऑब्जर्वेशन लेनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। आपने उनका डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस ओबियसली 0 आएगा, तो ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट और ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो हमारे पास 0 बन जाएगा, इसको हम खत्म कर देंगे, तो जो हमारे पास रह जाएगा नंबर वही हमारा इस वक्त मीडियन है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जिसको मैंने अब हाईलाइट कर दिया। अब जो भी पार्ट आता है 4.5 आता है, 4.3 आता है, 4.7 आता है, जो भी आता है आपने 4 वैसे लिखना है, यानी कि होल नंबर होल पॉइंट जो है वो आपने वैसे लिखना है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट वैल्यू जो यहाँ आएगी, यानी कि अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर आपने 5 माइनस 4 उनको डिफरेंस ले लेना है, और 0.5 के साथ ये जो भी फ्रैक्शनल पार्ट इधर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो सोल्यूशन आता है वही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। मैंने एक और क्वेश्चन इसमें अगले स्टेप में जाकर किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये डाटा थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि वो डाटा वही था जो हम बार बार यूज कर रहे थे, बार इसको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन है। अब मैंने क्या किया, पहले स्टेप में जाके अपने डेटे को अरेंज कर लिया। तो आपके पास जब डाटा अरेंज हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि अब हम मीडियन इजीली कैलकुलेट इससे कर सकते हैं। तो आपने अब करना क्या है जी, सबसे पहले तो आपने अपना जो मीडियन कैलकुलेट करना है, तो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो अरेंज कर लिए हैं, 87, 87, 88, 89, 89, 90, 91,
92 और 98 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज हो चुकी हैं। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है हमारे पास, 10 प्लस 1 जो होता है 11 होता है, तो 11 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे को 5.5 आ जाएगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मेरी ये वाली है जो मैंने फ्रैक्शन पार्ट के साथ के बगैर ली हुई है, ये वही ऑब्जर्वेशन है मेरे पास। और इसी तरह करके हमारे पास ये जो 0.5 आया ये मेरे पास ये है। अब अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, मैंने डिफरेंस लेना है किसका है? देखें अगर यहाँ 5 था तो मैंने यहाँ पर 6 लिया, यानी कि फिफ्थ वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू, सिक्स्थ वैल्यू माइनस फिफ्थ वैल्यू। तो आपने अब अपने दोबारा उस डेटे पे जाएं और देखें सिक्स्थ वैल्यू कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 जो है मेरे पास 90 है, 6 मेरे पास कौन सी है जी, 90 है। तो इस तरह करके आपके पास जो है वो 90 आ जाएगा और 89 जो है वो आपके पास जो है वो फिफ्थ वैल्यू होगी। तो सिक्स और फिफ्थ का हमने डिफरेंस लेना है और फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.5 के साथ उसे माइनस कर देना है। तो ये 89 जो है 1 होता है, तो जो हमारे को राउंड करके आंसर आता है वही हमारे पास अभी ये 89.5 जो है वो मेरा मीडियन है, 89.5 जो है वो मेरा मीडियन है। तो आप देख भी सकते हैं कि मेरा जो मीडियन है वो डेटा के सेंटर में आ रहा है, यानी कि 89 और 90 के सेंटर में इसने हाफ हाफ डेटा को कर दिया। ये मेरे हाफ ऑब्जर्वेशन इधर चली गई और हाफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरे पास इधर आ गया। तो ये मेरे डेटा को उसने क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और खुद वो कहाँ आके ठहर गया जी, इनके सेंटर में आके ठहर गया मीडियन, जहाँ मेरा इस वक्त सर क्लिंग कर रहा है ये मेरा मीडियन है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेम है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 ऑब्जर्वेशन इधर हो गई और 5 ऑब्जर्वेशन इधर हो गई और सेंटर में मीडियम मेरा लोकेट कर दिया। तो ये हमारे पास तीन मेथड्स थे, तीन तरीके थे जिसके तरह से आप मीडियम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन के लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया, ये फॉर्मूला भी सिखा दिया अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि मैथमेटिकल जो आप क्वेश्चंस करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये बहरहाल सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ हैं जी, प्रॉपर्टीज़ और मीडियम क्या होती हैं। बहरहाल ये एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लाजमी करें। मीडियम हमारे पास क्या होता है जी, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि मीडियम ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट इटसेल्फ। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर हम मीडियम ले रहे हैं कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन का, तो जो मीडियन होगा बेसिकली वो भी वही होगा जो कि कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। मकसद मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती है, कोई भी चेंज नहीं आ रही, सपोज के 2 हैं, सारी वैल्यूज 2 हैं, तो अगर हम उसका मीडियन लेंगे तो कभी वो हमारे पास 2 ही आएगा, वो कोई उसका फ़र्क नहीं आता। तो मीडियम ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट इटसेल्फ, ये हमारे पास है कि मीडियम कॉन्स्टेंट का लेते हैं तो वो कॉन्स्टेंट ही आता है। दूसरा ये होता है कि मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज एंड देयरफॉर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोजिशन ऑफ द आइटम, नॉट बाय द साइज ऑफ द आइटम। बेसिकली मीडियन जो है वो मैंने आपको बताया किसी चीज़ के पोजिशन को लोकेट करती है, पोजिशन को शो करती है, ये एक पोजिशन है हमारे पास, पोजिशन को जाहिर कर रही होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक पोजिशनल एवरेज है जो पोजिशन बताएगी कि डेटा की कौन सी वैल्यू जो है वो हमारे पास मीडियन है। ये डेटा के साइज पर डिपेंड नहीं कर रही होती है, जैसे हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, अगर उसके अंदर ऑब्जर्वेशन 1 से बढ़ा के 2 आ जाती हैं तो ऑब्वियसली उसका अरिथमेटिक मीन चेंज हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पोजीशन को लोकेट कर रही होती है। या सादा लफ्जों में कहूँ, ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी यूज़ होती है और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी यूज़ होती है, जबकि अरिथमेटिक मीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास जो है वो क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूट्स डेटा के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाता हूँ। देखें ये एक दफ़ा क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी जो है ना कैंडिडेट से पूछा गया था कि आपका जो फेस है उस पर मीडियम बताएं कौन सा है। अब देखिए ये एक सिंपल सी बात थी, ऑब्वियसली हमारे जो फेस है उस पर जो हमारा ये नोज है यही हमारा मीडियम है। अब ये क्या है, ये हमारी पोजीशन बता रहा है, ना कि मैंने कोई न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन इसके अंदर यूज़ की। तो बेसिकली ये इन्फ्लुएंस जो है ना वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। सपोज कि अगर मेरे पास 5 बुक्स रखी हुई हैं, मैंने उनको अरेंज किया हुआ है डिफरेंट कलर्स में, तो मैं कहता हूँ इसकी मीडियम मीडियम बता दें, मीडियम बुक कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली जो थर्ड बुक होगी वो मेरा मीडियम होगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये न्यूमेरिक ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये पोजीशन पर डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा ये है कि मीडियन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजन एंड चेंज ऑफ स्केल। ये चेंज ऑफ ओरिजन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से अफेक्टेड हो जाता है, ये चेंज ऑफ ओरिजन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों से अफेक्टेड हो जाता है।
इसकी सबसे बड़ी जो मतलब क्वालिटी कहें वो ये होती है कि ये जो है चेंज ऑफ ओरिजन और चेंज ऑफ स्केल दोनों से अफेक्टेड होता है। लेकिन मेरे को y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, अब a जो है वो मेरे पास चेंज ऑफ स्केल है और b जो है वो चेंज ऑफ ओरिजन है। अब मैं अगर y का मीडियन लूंगा तो ऑब्वियसली ये दोनों a और b, यानी कि a मल्टीप्लाई भी होकर आएगा और b ऐड भी होकर आएगा, क्योंकि x चिल्डा जो है वो इफेक्ट कर रहा है चेंज ऑफ ओरिजन और चेंज ऑफ स्केल की वजह से। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जिस तरह अरिथमेटिक मीन था वो भी चेंज ऑफ ओरिजन और चेंज ऑफ स्केल से इफेक्टेड हो रहा था, इसी तरह करके ये भी चेंज ऑफ ओरिजन और चेंज ऑफ स्केल से। तो जिस तरह अरिथमेटिक मीन चेंज ऑफ ओरिजन और चेंज ऑफ स्केल से इफेक्टेड होता है, इसी तरह करके ये भी चेंज ऑफ ओरिजन और चेंज ऑफ स्केल का असर इस पर होता है। यानी कि अगर हम जो भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो बेसिकली वो हमारे पास मीडियन के अंदर ऐड या मल्टीप्लाई होकर आ रहे होते हैं। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी थी। इसकी सबसे सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी ये है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। और ये प्रॉपर्टी जो है वो मैं कहता हूँ कि इस मीडियन को जो है मोस्ट प्रोमिनेंट कर देती है। इसका थोड़ा सा ना यूज भी अभी इसी वीडियो लेक्चर में आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग मीडियम बेसिकली क्यों यूज़ करते हो, कब यूज़ करते हो। तो दो तीन बातें हैं वो जरा मैं उसको अलग से हाईलाइट नहीं करना चाह रहा था, मैं इसी पर ही हाईलाइट कर दूंगा। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये वाली जो प्रॉपर्टी इस वक्त जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये इसकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास प्रॉपर्टी जिसको हम लोग इस वक्त हाईलाइट कर चुके हैं, ये वो जो प्रॉपर्टी है ना, ये है वो हमारे पास। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो प्रॉपर्टी इस वक्त हम लोग देख रहे हैं ना, कि ये जो है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीडियन इज द लीस्ट, बेसिकली ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी आप लोगों को जाकर जो है ना डिस्कशन में यूज होती है। यानी कि अगर हम एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं मीडियन के जरिए, देखिए जो बार लगे हुए ना इनको मॉड भी कहा जाता है और एब्सोल्यूट्स भी कहा जाता है। अगर हम एब्सोल्यूट डेविएशन लेते हैं, ये जो डिफरेंस आता है ना x माइनस x टिल्डा, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको डेविएशन कहते हैं। और मैं ले क्या रहा हूँ, एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहा हूँ, यानी कि माइनस की वैल्यू को इग्नोर कर रहा हूँ और प्लस के साइन के साथ ये जो डेविएशन ले रहा हूँ। यानी कि ये जो बार है ना, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारी कोई ऑब्जर्वेशन नेगेटिव में नहीं है। अगर कोई नेगेटिव आ भी रही है तो हम उसको पॉजिटिव नहीं कंसिडर करते हैं। तो मैं एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहा हूँ, तो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन जो होगा फ्रॉम मीडियन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीडियन इज द लीस्ट। तो इसका आंसर जो होगा, ओवरऑल आंसर जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, लीस्ट होगा, छोटा होगा। जबकि अगर हम यही डेविएशन जो है वो अरिथमेटिक मीन से लेते हैं तो उसका आंसर बड़ा आएगा, और अगर यही आंसर, यही डेविएशन अगर हम मीडियन के जरिए लेंगे तो इसका आंसर छोटा आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें मीन डेविएशन, यानी कि जो डिस्पर्शन में हमारे पास जो मतलब टाइप है हमारे पास, डिस्पर्शन की टाइप है हमारे पास, तो ये उसमें हमें काम देती है। तो हम जब मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं मीडियन के जरिए तो उसका आंसर छोटा आ जाता है, और अगर हम अरिथमेटिक मीन के जरिए मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन ले रहे होते हैं तो उसका आंसर बड़ा आ जाता है। फिर सुन लीजिए, x में से x टिल्डा को माइनस करना डेविएशन कहला रहा है, और ये एब्सोल्यूट लगे हुए हैं तो इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट डेविएशन कहते हैं। लेकिन पीछे समेशन भी है तो इसलिए हम कह देंगे सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज का डेविएशन ले रहे हैं किससे, उसके मीडियन से। और वो जो आंसर, ये ओवरऑल आंसर आएगा जिसको मैंने इस वक्त ये हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला जो आंसर आएगा ये आपके पास क्या आएगा जी, स्मॉल आएगा, छोटा आंसर देगा। और यही वजह है कि हम मीन डेविएशन में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये इसकी जो है ना जो है ना इसकी प्रॉपर्टी में से इसका ये भी हिस्सा बन जाता है। तो बहरहाल एक प्रॉपर्टी और हम कवर कर रहे हैं, ये है हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास सिमेट्रिकल होती है। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल देखी, आपने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसके मीन मीडियन मॉड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मीडियन का जो डिफरेंस है, यानी कि अगर हम मीडियन और क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल लें, अभी मैंने ये क्वार्टाइल आपको पढ़ाने है, लेकिन यहाँ इसका छोटा सा तारुफ करा देता हूँ। इस बहाने इस तरीके से मैं आप लोगों को फर्दर भी कुछ बता सकूँगा कि क्यों वन अगर आपको यहाँ बता देता हूँ तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास यही क्वार्टाइल आने वाला है। तो मीडियन माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल इक्वल होगा
थर्ड क्वार्टाइल माइनस मीडियन, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है मीडियन का फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के साथ सेम होता है, बराबर होता है, यानी मीडियन सेंटर में आ जाएगा। उससे पहले 25% जो होता है वो हमारे पास Q1 होता है और उसके अबव 25% जो होता है वो Q होता है। तो अगर दोनों का डिफरेंस लिया जाता है तो ये सेम आ जाता है। ये वैसे मैं आपको जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल आएगी मैं उस वक्त भी आपको ये इससे क्लियर करूँगा, लेकिन इस वक्त प्रॉपर्टी का एक हिस्सा था वो मैंने आपको तैयार कराना था, वो मैंने वहाँ पर आपको बता दिया। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एक फर्दर ये होती है कि अगर हम Q3 + Q1 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास मीडियन आ जाता है। Q3 जो होता है वो थर्ड क्वार्टाइल कहलाता है और Q1 जो होता है वो फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाता है, या Q3 को अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं और Q1 को लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। दोनों को ऐड करें तो 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास मीडियन आ जाता है, इसको मीडियन भी कहते हैं और मीन भी कह देते हैं। तो बस आज का टॉपिक इतना ही है मेरे पास। तो ये मैंने आपको कुछ फार्मूलाज भी सिखा दिए, कुछ बातें इसकी थी वो मैंने आपको बता दी। तो इसके अलावा हमारे पास इसमें और कुछ नहीं है ऐसा कि मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूं, मैंने मैक्सिमम टॉपिक आपको इसमें करा दिए। ग्रुप डेटा का जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा, और उसके बाद हमारे पास जो है इनके जो है उसके भी दो मेथड हैं हमारे पास, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, एक डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होता है और एक कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा होता है। तो कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा को मैं अलग एक तरीके से सॉल्व करूंगा, वो आपको मैं बताऊंगा। उसमें बेसिकली मैं यही वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे ऐसे हमने क्लासेस बनानी है, सॉरी क्लासेस तो उसमें नहीं बनती है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना होता है वो बताऊंगा, और फिर हम इसको कंटीन्यूअस ग्रुप डेटा के साथ करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी सुन लीजिए व्यूअर्स, ये होता है कि जो असल में मीडियन हम कैलकुलेट क्यों कर लेते हैं। अब ये कोई कलाकार से टॉपिक नहीं था हमारा, लेकिन एवरेज का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसकी रीज़न क्या होती है। जब कभी हमें जो है किसी भी डेटा की मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है, जब भी डेटा की कोई मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है तो मीडियन का सहारा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है या तो पॉजिटिव स्क्यूड हो या नेगेटिव स्क्यूड हो, तो उस वक्त हमारे पास मीडियन एक बेस्ट एवरेज होती है जो डेटा के सेंटर में लोकेट करती है। तो इसलिए इन केस ऐसा केस जब आपके सामने आ जाए कि जहां पर हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड हो या नेगेटिव स्क्यूड हो, तो उस वक्त हम मीडियन को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो मीडियन के इस्तेमाल में आप ये दो बातें ऐड कर लीजिए कि जब हमें मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए तो हम मीडियन का सहारा लेते हैं, या जब कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसी ऐसा केस आ जाए कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, तो फिर भी हमें मीडियन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये दो तीन बातें थी जो मैंने आपसे की मीडियन के बारे में, इसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया, अरेंजमेंट डाटा करा दिया, पोजिशनल एवरेज का तारुफ हो गया। बस आज के का जो है टॉपिक वो इतना ही था, आज का जो काम था जो मेरे वो आपके लिए इतना ही था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे अल्लाह हाफिज़, आपको भी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।